जब पीस कमेटी रखी गई है, किस तरह की कमेटी रखी गई? आज मुहर्रम के महीना स्टार्ट होने वाला है। मुहर्रम के मद्देनज़र आज जनपद के सभी मुहर्रम कमेटी के लोग, ताजीदार लोग और जो जनपद में मुहर्रम करवाते हैं सरमाएदार लोग, आज हमने यहाँ मीटिंग रखी है। हमारे चचा समदानी मियाँ दरगाह कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से अलम उठते हैं, उनकी सदारत में ये मीटिंग रखी हुई है। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इकबाल भाई मौजूद हैं, ज़िला मुहर्रम कमेटी के मंसूर रिजवी साहब मौजूद हैं शिया समुदाय से, इकबाल वारसी साहब हैं दक्षिण कमेटी से, और क्या नाम है, नूर नबी साहब हैं, वज़ीरुद्दीन नासरी चचा हैं, और मुकर्रम भाई हैं, और हमारे नबी आलम भाई हैं, मोहसिन भाई हैं। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर ये तय करने के लिए बैठे हैं कि मुहर्रम कैसे। सबसे पहले हम ये प्रशासन से अपील करेंगे, इस संदर्भ में बैठे हैं कि हमको मुहर्रम मनाने की इजाज़त दी जाए। जिस तरीके से और त्यौहार हो रहे हैं, मनाते चले आए हैं, हम लोग भी कानून को मानने वाले हैं, हम लोग भी गाइडलाइन को मानने वाले हैं। हम लोगों ने ईद की नमाज़ भी गाइडलाइन के तहत करवाई है, हमने बकरीद की नमाज़ भी कराई है, इसी के तहत हम मुहर्रम भी करना चाहते हैं। हम प्रशासन से अपील करेंगे, हम उनसे ये पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे ये मांग करेगा कि जो गाइडलाइन है उसके तहत हमको 5-5 लोगों के ज़रिए दफीने करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि मुहर्रम की 9 तारीख को जो रात भर ताज़िए दर्शनार्थ हेतु रखे जाते हैं, उस मैयत को हम सुबह दफीना करने जाते हैं कब्रिस्तान करबला के अंदर। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि 5-5 आदमियों की डिस्टेंसिंग के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमको इजाज़त दी जाए, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि उसके जो इंतज़ाम हैं, जो भी सरकार का आदेश होगा, गाइडलाइन का आदेश होगा, हम उसी आदेश के तहत हम पूरी टीम जो ज़िले को मुहर्रम कराती है, हम पूरी टीम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उसी तरीके से कराएंगे। लेकिन जो नगर निगम की व्यवस्थाएं हैं, बिजली विभाग की समस्याएं हैं और जो ज़िले के प्रशासनिक लोगों से जो समस्याएं हम लोग बताते हैं, उन समस्याओं को भी दुरुस्त कराया जाए। एंड में जन्माष्टमी की हम सब लोग बधाई देते हुए उसी तरीके से हमको इजाज़त दी जाए। ये हम सब लोग, पूरा जनपद इस चीज़ की मांग करता है कि हमको 5-5 लोगों में दफनने की इजाज़त दी जाए। कोरोना की जो बीमारी चल रही है, आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? कोरोना की ये बीमारी जब 500 लोग थे तो पूरा देश बंद था, आज 20 लाख से ऊपर मरीज़ हो चुके हैं। तो मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहूँगा, इस बीमारी ने भयंकर रूप ले रखा है। ध्यान रखें, बुज़ुर्गों को ना निकलने दें, बच्चों को ना निकलने दें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकालें, लॉक डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को लगाए रखें, नहीं तो वो बीमारी आप खुद अपने घर में लेके आओगे। इससे बहुत अनेकों मौत हो चुकी हैं, अनेकों लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआएं करें। ये देखें, आप लोग मोबाइलों में भी देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, दुनिया पूरी चिल्ला रही है कि आप इस बीमारी से बचें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, भीड़ ना लगाएं और इस चीज़ का लॉक डिस्टेंसिंग का पालन करें।